हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 11th की बायोलॉजी, ठीक है। और आज अपन किस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सारे के सारे 10th से अभी पास आउट हो। तो जब अपन 10th क्लास से 11th में आते हैं तो सभी बच्चों को डाउट रहता है कि मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज करें, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे, साइंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो 10th क्लास तक आपने देखा होगा कि आपकी जो साइंस की जो बुक होती है, विज्ञान की जो बुक लगती है आप लोगों की, उसमें वो तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है ओनली वो बुक, ठीक है। और वो तीन पार्ट कौन कौन से आते हैं, उसमें कुछ चैप्टर तो आते हैं आपके बायोलॉजी के, कुछ चैप्टर आते हैं आपके फिजिक्स के, एंड कुछ चैप्टर आते हैं आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। बट जैसे ही आप 10th से 11th क्लास में आते हैं तब क्या हो जाता है, तब आपको अपनी जो भी चॉइस होती है, आपको अपना एक पसंदीदा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। आप या तो फिर अपना, पहले अगर अपन बात करें तो ये सिलेक्ट किया जाता है कि आप आर्ट लेंगे, कॉमर्स लेंगे या फिर साइंस, ठीक है। फिर साइंस के अंदर भी अपनी क्या होती है, साइंस के अंदर अपनी मैथ एंड बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी और मैथ में क्या होता है कि अपना ये जो सब्जेक्ट होता है ये इस सब्जेक्ट में डिफरेंस होता है, ओके। बाकी अपना जो केमिस्ट्री एंड जो फिजिक्स होता है वो बायोलॉजी में, एंड जो अपना मैथ होता है दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं 10th क्लास में क्या होता है, जो भी केमिकल से रिलेटेड, रसायनों से रिलेटेड जो आपके कुछ टॉपिक आते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड, कुछ भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर आते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह आपके आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपके फिजिक्स के चैप्टर, एंड अपनी बायो जो होती है, विज्ञान जो होता है उसके भी कुछ चैप्टर आते हैं। और विज्ञान के चैप्टर अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसमें आपके कुछ जो चैप्टर होंगे वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। फिजियोलॉजी से मतलब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे अपन पाचन तंत्र बोलते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ऐसे कुछ टॉपिक्स, या फिर जो जीव जंतुओं से रिलेटेड, प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड जो आते हैं वो आपके किस में आते हैं, बायोलॉजी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो क्यों चूज करना चाहिए, कौन कौन से बेहतर कैरियर ऑप्शन है, मतलब अपन 12th करने के बाद में जो जॉब के अपने पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं अगर अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी 12th जो है वो करते हैं, अपन इस चीज के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। अब आप अपने मतलब लोकल इलाके में या फिर आसपास में आपको ये सुनने को भी मिल जाता है कि अगर अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी 12th करते हैं तो कैरियर का सिर्फ आपको नॉर्मली एक ही ऑप्शन बताते हैं, डॉक्टरी लाइन। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 12th क्लास में अपर या फिर 11th में अपना जो बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आप सिर्फ डॉक्टर लाइन के लिए आप मतलब वहीं पर जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी सब्जेक्ट से भी काफी ज्यादा मतलब हर एरिया में आपके पास जॉब के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। एमबीबीएस के अलावा भी बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर अपन चूज करते हैं तो और भी ज्यादा जॉब के बेहतर कैरियर ऑप्शन अपने पास होते हैं, अगर उनके ऊपर अपन डिस्कस करें तो। एमबीबीएस तो अपने पास है ही, सेकेंड अपने पास है बीएचएमएस। अब इसमें क्या होता है, ये होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं ना वो आते हैं इसमें, और मतलब सबका सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा होता है। बीएचएमएस हो गया होम्योपैथी के, बीएमएस हो गया आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपने जरूर सुना होगा। वेटरनरी जो पशुओं से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। बीएससी नर्सिंग अपनी आ जाती है, एमएससी नर्सिंग इसमें आ जाती है, ओनली बीएससी इसमें आ जाती है। बीएससी के बाद में आप एमएससी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, जो टीचर्स की जो लाइन है वो भी इसमें आती है। इसके अलावा बी फार्मेसी आप कर सकते हैं, जो डेयरी जो होती है अपनी पशुओं की, वहां पर भी गवर्नमेंट एरिया जो होते हैं वहां पर अच्छी खासी जॉब निकलती है इनकी। या फिर प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की अगर अपन बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है। अगर प्राइवेट में अपन बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे डेयरी जो होते हैं, डेयरी उद्योग वगैरह जो होते हैं ना, इनमें भी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से अगर किया हुआ होता है तो उनके लिए बेहतर मतलब आप जॉब कर सकते हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इस चीज में दूं तो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर ये मान लीजिए आप, जैसे पार्ले जी की कंपनी है, ठीक है। अब पार्ले जी जो कंपनी है ना, वहाँ पे क्या होता है कि फूड मैनेजमेंट के भी डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से होते हैं। अब जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि मेडिकल एरिया में क्या होती है, लैब होती है ब्लड टेस्टिंग की, यूरिन टेस्टिंग की, तो वहां पर जो लैब से रिलेटेड अपने कोर्स होते हैं अपन वो कर सकते हैं, तो वहां पर भी अच्छी खासी जो सैलरी है आपको मिल सकती है, जॉब का एक अच्छा खासा ऑप्शन है वहां पर। इसके अलावा अगर आप बायो से करते हो तो बाद में 12th के बाद में बीएससी इन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं आप, और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं। लगभग मतलब 12th करने के बाद में क्या होता है कि मेनली ये होता है, जब आप बायो सब्जेक्ट लेते हैं फिर आगे अगर आप कॉलेज करते हैं, जब बीएससी में आप जाते हैं उस टाइम क्या होता है,
जो बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं ना उनके फिजिक्स हट जाती है, ठीक है। फिर आगे जाके अपनी जो ये बायोलॉजी होती है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। किस में? बोटनी में एंड जूलॉजी में, इनकी अलग अलग बुकें लगती हैं। फिर बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री फिर आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आपके पास में मैथ है तो फिर आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं आपका मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। मैं ये आपकी ट्वेल्थ के बाद की बात कर रही हूँ, जब अपन कॉलेज में चले जाते हैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। उस टाइम क्या होता है कि जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनकी फिजिक्स हट जाती है। फिजिक्स की जगह उनकी बायोलॉजी जो होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। बोटनी अलग से पढ़नी पड़ती है और जूलॉजी आपको अलग से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब अपना जो इलेवंथ एंड ट्वेल्थ है उसमें क्या है, उसमें भी बोटनी एंड जूलॉजी के अलग अलग चैप्टर आते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर सबसे पहले अपन बायोलॉजी की ही बात कर लेते हैं, आखिर बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या जाता है, जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक। तो अपना जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी के अंदर अपन किन की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर अपन जीवों की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी जो होती है उसकी दो ब्रांच होती है, बोटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। बोटनी के अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जितने भी अपने एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, अपने जलीय पादप जो होते हैं वो, अपने टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं, स्थलीय पादप होते हैं वो, उनके बारे में। एंड जो अपनी जूलॉजी होती है, जूलॉजी के अंदर अपन किसका डिस्कस करते हैं, जो जीव होते हैं, चाहे छोटे से माइक्रो बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े जो जीव होते हैं अपने, उनकी स्टडी किस में की जाती है, जूलॉजी में की जाती है, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका पाचन तंत्र, उनका एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है, उनका मतलब उत्सर्जन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, प्रसंस्करण तंत्र, या फिर अपन बोल सकते हैं उनका इंट्यूगमेटरी जो सिस्टम होता है, अध्यावरणी जो तंत्र होता है वो सब की स्टडी किसके अंदर की जाती है, अपनी जूलॉजी के अंदर। और प्लांट्स के अंदर जो भी होता है उनकी सेल्स वगैरह, जितना भी मटेरियल पाया जाता है, खाना किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, वो सारी की सारी स्टडी किसमें की जाती है, अपनी बोटनी में की जाती है, ठीक है। यही क्या मेन डिफरेंस होता है बोटनी एंड जूलॉजी में, और ये दोनों की दोनों शाखाएं किससे जुड़ी होती है, अपने बायोलॉजी से जुड़ी हुई होती है। अब मैं बात कर रही थी तो बायोलॉजी के अंदर कैरियर ऑप्शन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अपन बायोलॉजी में किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं, तो मैन जो है वो मैंने आपको बताए थे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएलटी, बीडीएस, जो डेंटल जो होते हैं, डेंटिक्स जो होते हैं वो, एंड इसके अलावा डॉक्टरी लाइन से हटकर आप किस में भी आ सकते हैं, टीचिंग एरिया जो है अपना वहां पर भी आ सकते हैं, टीचिंग में बेहतर कैरियर ऑप्शन है। इसके अलावा अपने जितने भी मिलिट्री फोर्सेस होते हैं वहां पर भी बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं वहां पर भी उनके लिए अच्छा खासा जॉब के लिए कैरियर ऑप्शन होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, आज का जो टाइम है अपना, प्रेजेंट जो टाइम है, इसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो उन्हीं की है, बायोलॉजी से जुड़े हुए बच्चों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम क्या हो गया है, आज के टाइम डिसीज जो है, बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। और फिलहाल तो सीजन ही बीमारियों का चल रहा है, कोरोना आपने सुना है, तो जैसे जैसे मतलब अपन आगे जा रहे हैं वैसे वैसे साइंस का जो है वो एरिया काफी बढ़ रहा है, और साइंस से रिलेटेड जो है अपने बहुत ज्यादा जॉब के ऑप्शन जो है वो बच्चों के सामने होते हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, बहुत पहले का जब टाइम होता था उस टाइम क्या करते थे लोग जो होते थे वो, मतलब जब लड़ाई आपस में हो जाती थी तब किसका इस्तेमाल कर लेते, हाथों का इस्तेमाल कर लेते थे, मुक्के वगैरह जो थे वो मार लेते थे, तलवार उसके बाद में यूज कर लेते थे। एंड उसके बाद में क्या होता था, धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का विस्तार होने लगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार हुआ तो फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ तो फिर जो अपने गन वगैरह है, बंदूक वगैरह है, जो भी अपने परमाणु हथियार है ना, उनका फॉर्मेशन होने लगा, मिसाइल वगैरह, ठीक है, फिर इनसे लड़ने लगे। लेकिन जमाना और ज्यादा मॉडर्न हो गया, और क्या हो गया, क्योंकि अब क्या होता है, जाहिर सी बात है, अगर अपन किसी के ऊपर गन चलाते हैं, बम से अगर कोई एरिया अपन उड़ाते हैं, मिसाइल अगर किसी एरिया पर चलाते हैं, तो उसका एक क्या होता है, निर्धारित एरिया, निर्धारित क्षेत्र होता है, अपने को पता होता है अपने को गन वहां पर चलानी है तो वो उसी को टारगेट करेगी, बम यहां पर उड़ाना है तो वो उतने ही एरिया को टारगेट करेगा, मिसाइल अगर अपने को चलानी है तो अपने को पता भी होता है भी ये मिसाइल चला रही है और ये इतने बड़े एरिया को क्या कर सकती है, टारगेट कर सकती है ना। तो यहां तक क्या था, यहां तक बात ठीक थी, जो भी व्यक्ति था जो उसको कंट्रोल कर रहा था उसको पता था कि भाई ये जो चीज है इतना नुकसान कर सकती है और अपने को इस एरिया का नुकसान पहुंचाना है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा है, वैसे वैसे क्या हो गया, जो लड़ने का जो तरीका है वो भी बदल गया है। लड़ने का तरीका कैसे बदल गया है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर आपको इस चीज को समझाऊं तो आज के टाइम में अपने क्या चल रहा है, कोरोना चल रही है, एक महामारी जो विश्व महामारी है ये चल रही है। पर अपना जो ये कोरोना है ये किस वजह से फैल रहा है, एक वायरस की वजह से फैल रहा है, आप लोगों ने पढ़ा है,
अखबारों में आप देखते हैं, टीवी चैनल्स में आप देखते हैं, ठीक है, सुनने में भी आया होगा कि जो वायरस है वो चीन के द्वारा छोड़ा गया है, फिर चीन ने इसको बनाया है। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि अपन यहाँ पर कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बात यहाँ पर ये नहीं बता रही कि चीन ने वायरस को छोड़ा है या फिर नहीं छोड़ा, अमेरिका ने छोड़ा है, पाकिस्तान ने छोड़ा है, अपने को कोई मतलब नहीं है, छोड़ा भी है या फिर ये ऑटोमेटिक आया है, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही। अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये चीज जो है आपको फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ये बता रही हूँ, अगर ये छोड़ा भी गया तो आप सोचिए कितना खतरनाक है ना। अगर ये नहीं भी छोड़ा गया है तो मैं आपको एक बात जरूर बता देती हूँ कि ऐसे वायरस छोड़े जा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो वायरस होते हैं या फिर जो जीव होते हैं उनके द्वारा क्या फैलाया जाता है, आतंकवाद फैलाया जाता है, और जीवों के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जैव आतंकवाद उसको बोला जाता है, इंग्लिश में अपन उसको बायो टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब वो होता क्या है, जनरली उसमें क्या होता है, जो जीव होता है, जीव की जेनेटिकली स्ट्रक्चर लैब के अंदर चेंज कर दी जाती है, उसकी उसको मतलब वायरस जो होता है या फिर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी मान लीजिए, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके उसको और भी ज्यादा डेंजर बनाया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, किसी भी एरिया में छोड़ दिया जाता है। अब सोचने वाली बात ये होती है, अगर किसी भी अपन हथियार के द्वारा जो लड़ाई वगैरह करते हैं तो वो क्या होता है, उसका एक एरिया होता है, वो उसी एरिया में अपना जो बैड इफेक्ट होता है वो डालता है। बट वायरस को ये नहीं पता होता है कि भाई ये एरिया अपना है, ये फिर पराया है, चीन ने अपने को बनाया है तो अपन चीन पर अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने अपने को बनाया तो उस पर अटैक नहीं करेंगे, इंडिया ने अपन को बनाया तो इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे, नहीं, वायरस को ये चीज नहीं पता है। वो उसका मतलब कोई भी अंदाजा या फिर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो किस हद तक और कितना नुकसान कर सकता है, है ना। उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो चाहे तो पूरी की पूरी सृष्टि जो है उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। वो हो सकता है कि वो संक्रामक डिसीज फैला रहा है। अब अपन सुनते हैं कि कोरोना जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी के जब अपन संपर्क में आते हैं ना तभी होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये हवा से फैलता तो कितना डेंजर हो जाता है, ये बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता, क्योंकि अब अपन अपने आप को तो रोक सकते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं, कमरे के अंदर खुद को बंद कर सकते हैं, हवा को थोड़ी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना। हवा के द्वारा अगर ये डिसीज, ये बीमारी फैल रही होती तो कितना कितना ज्यादा एरिया अब तक सब कुछ अपनी चपेट में ले चुकी होती है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं ये बात आपको बता क्यों रही हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अपने बायोलॉजी से जुड़ी हुई है। जीन जो होते हैं, जीव जो होते हैं, उनकी जेनेटिकली स्ट्रक्चर जो होती है, उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, म्यूटेशन किस प्रकार से होता है, उत्परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जीवों के जो डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उसमें चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें चेंज करने के बाद में बॉडी जो होती है उसमें, चाहे वायरस की हो या फिर एनिमल की हो या फिर मानव की हो, उसमें क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं, ये सारे की सारी बातें अपने बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अपने जो ये बीमारियां फैल रही हैं इनको रोकना भी पड़ेगा, ठीक है। और इनको रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण जो अपना योगदान दे सकते हैं वो कौन दे सकते हैं, डॉक्टर्स दे सकते हैं, लैब के अंदर वर्क करने वाले जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो इस चीज का पता लगाया गया है कि भाई ये वायरस होता है, इसकी ये जेनेटिक संरचना है और इस प्रकार से ये फैला है। मतलब सुनने में आया है कि बैट्स जो होते हैं उनके द्वारा ये फैला, जो चमगादड़ जो होते हैं उनसे ये वायरस आया है। चमगादड़ की जो जीनी स्ट्रक्चर है, चमगादड़ के ऊपर जो वायरस पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है, फिर उस वायरस की स्टडी की गई है, फिर ही तो ये चीज कॉमन निकल के आई है, ठीक है। तो मतलब जितनी डिसीज फैल रही है, जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, जो मेडिकल एरिया है, जो अपना चिकित्सा का जो क्षेत्र है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो अपने बायोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हो रही है, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस एग्जांपल के द्वारा मैं यही बता रही थी आपको, जैसे जैसे मतलब अपन आगे जा रहे हैं, मतलब साइंस जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से प्रोसेस कर रही है, उस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में जो साइंस से जुड़े हुए, साइंस क्षेत्र से या फिर इस एरिया से जुड़े हुए जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हो रही है, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और वहां पर क्या कर सकते हैं, अपन अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यहां तक तो अपन ने बात कर ली कि अपन को बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। आगे अपन अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे, अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें अपने जीवों का क्लासिफिकेशन दे रखा है, जीवों का वर्गीकरण दे रखा है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, किस लिए किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। ओके।